इस कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं जयोदय अतिश क्षेत्र ईश्वरवारा जिला सागर मध्य प्रदेश। धर्मधरा मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित श्री जयोदय तीर्थ ईश्वरवारा, जहां लगभग 900 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमाएं विराजमान हैं, यही वह पावन धरा है जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज का जन्म हुआ है। जयोदय तीर्थ पर विराजमान भगवान की खड़गासन प्रतिमाओं का प्रतिदिन अभिषेक एवं शांति धारा होता है। इसी के साथ ब्रह्मचारी गौतम भैया के मार्गदर्शन में यहां असीम कालीन भक्तामर विधान भी किया जा रहा है। यहां आने वाले भक्त प्रतिमाओं के दर्शन करने से सुख शांति एवं समृद्धि को प्राप्त करते हैं। ओम ह्रीं श्लीं क्लीं मे मरं बं मं हं सं तं बं 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 मं मं हं हं सं सं दं दं झं झं झीं झीं छ्वीं छ्वीं द्रं द्रं द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नवोरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मं पापं खंडे खंडे जय जय दय दय पच पच पाचे पाचे ओम नमो अर्हम झम झिमीम छिमीम हम सम झम बम हायासा छाम छीम झोम छै छौ छम छा छिमीम ह्राम ह्रीं ह्रूं ह्रे ह्रे ह्रूरुम्रा द्राम द्रीं द्रावे द्रावे नवरते भगवते श्रीमते ठाठस्माकं समस्त भवजीवानां के असीम कालीन विधानकर्ता परिवार सांदी धाराकर्ता परिवार स्वर्गीय लक्ष्मी चंद जी की पुण्य स्मृति के अवसर पर बीरेन जी, पदम जी, आलोक जी, वैभव जी, इंदिरा जी, माया जी, रश्मि जी, हर्षिल जी, हार्दिक जी, भूपेंद्र जी, प्रभा जी, नेहा जी, शिवानी जी, किंजल जी, चेतिया जी, समस्त रिछई वाला परिवार जड़ुआ खेरा सापरिवार मंगल भवतु। श्रीमान प्रमोद जी छतरपुर वाला परिवार सापरिवार मंगल भवतु। राजीव जी, संजय जी, विदिशा सापरिवार मंगल भवतु। अवनी जी, आभ्या जी, समर जी, समस्त उदय जी, भोपाल वाला परिवार सापरिवार मंगल भवतु। मनीषा जी, मोनिश जी, इंदौर वाला परिवार सापरिवार मंगल भवतु। सुशील जी, सरोज जी, किंजल जी, दिल्ली वाला परिवार सापरिवार मंगल भवतु। समस्त भवजीवनम व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो। अक्षय जी टड़ा समस्त कर सिद्धार्थम संपूजी खानम प्रतिपाली खानम यतीन्द्र सामन तपोधनानम रिशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करो तो शांतिम भगवत जिनेन्द्रम श्रीं भ्रीं जिरीं गुरुम रक्षक सर्वरोग निवारक सर्वसिद्धिदायक शांतिनन्दिनेन्द्राय नमः नन्द्यापति स्थापनं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं भ्रीं जिरीं गुरुम रक्षक सर्वरोग निवारक सर्वसिद्धिदायक शांतिनन्दिनेन्द्राय नमः मुद्राय स्थापनं करोमि। गलयति छं छं विधाने कराने कैरानी हा प्रभु को मनानी धानी कैरानी हा भक्ति कैरानी चलाई दे छम छम विधानी कैरानी कलिंद्रणी छम छम विधानी कैरानी इतना प्यारा तेरा द्वारा यही गुजारो जीवन सारा तेरे दरस के लगन से हमें आना पड़ेगा इस दर पे द्वारा रात भर नींद नाती सपने में पूजन हो जाते रातें रात भर नींद नाती सपने में पूजन हो जाती तेरे दरस के लगन से हमें आना पड़ेगा इस दर पे द्वारा पंचमे बले पूज्यम साथे नजनेश्वरम भक्तमंद्रेन्द्रम अक्रो बीजन सैयजे संपूर्ण बले पूज्यम साथे नजनेश्वरम भक्तमंद्रेन्द्रम पंचवीजाक्षरेयजे। ओम रीम निधत्तिनिका शुभ कर्म दयनाय क्रोम महावेच संहिता भक्ताम वरिष्य पंच बल स्थिताय। ओम रीम श्रीं भ्रीं झ्रीं क्रोम पंचवीच संहिता भक्ताम वरिष्ठ तिस्य पंच बल स्थिताय। परम अतिशयकारी श्री शांतिराजनेन्द्राय पूर्णगम निरुपामति स्वाहा। असीम कालो भक्तामरश्च विशेष पूजा
योग्य चेते अकामरतम विधान मध्ये बचयस्तु बीवी। इसलिए इसलिए बाबा तेरी आरती करो वंदना करो हाथों में दीपक लेके आरती करो बज छम छम छम। अभ्यासो देवा गुरुदेव खस वैराग्य विमम नैने सका तसे प्रेमाव नहीं कर्त सक्यो ईश्वर भावे नमस्करो मैं ईश्वर बरके शांतिनाथ आज थारी आरती उतारो ईश्वर बरके शांतिनाथ आज थारी आरती उतारो। जय उदय दीदी सुरवारा में डेली असीम गाली विधान चलना है। आज जिन्होंने विधान करने का सौभाग्य लिया वह ईश्वरवारा क्षेत्र के लिए परम समर्पित परिवारों में से एक है। यहाँ के पितमा पुण्याजक हैं, तीर्थरक्षक हैं, विधान पुण्याजक भी हैं, साथ में ही यहाँ पर सिद्धचक महामंडल विधान हुआ था, ध्वजारोहण करता परिवार भी आप ही थे। वह परिवार है स्वर्गीय लक्ष्मी चंद जी की पुण्य स्मृति के अवसर पर जो विधान करने का सौभाग्य ले रहे हैं। इस क्षेत्र के आप उपाध्यक्ष भी हैं श्रीमान बीरेन जी का परिवार, पदम जी, आलोक जी, वैभव जी, इंदिरा जी, माया जी, रश्मि जी, हर्षिल जी, हार्दिक जी, भूपेंद्र जी, प्रभा जी, नेहा जी, शिवानी जी, किंजल जी, चेतिया जी, चौधरी परिवार, रीछई वाले, जड़ुआ खेरा, ईश्वरवारा दीक्षित कमेटी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित चांदी का नंद्यावत, चांदी की मुद्रा प्रदान कर रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे परिवार के लिए। पूरे परिवार का जीवन मंगलमय हो, आरोग्यमय हो, धनधान्यमय हो, यही शांतिनाथ भगवान के चरणों में भावना बातें हैं। शांतिनाथ भगवान के चरणों में आकर जो मंगल अनुभूति होती है उसका शब्दों के माध्यम से बखान करना आसान नहीं है। हमारे दादाजी के समय से हम लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं। यहाँ परम अति सहकारी शांतिनाथ भगवान का जो आशीर्वाद हमारे परिवार पर बना हुआ है इसके कारण लगातार उन्नति, तरक्की एवं धार्मिक कार्यों में वृद्धि हो रही है। यहाँ पर विधान करके ऐसा लगता है जैसे स्वर्गों में देवों के साथ विधान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो। यहाँ बहुत अतिशय है, सभी से निवेदन है कि यहाँ पर आकर विधान पुण्यार्जक बने एवं तीर्थ के जीर्णोद्धार में सहयोग प्रदान करें। मैं क्या बताऊँ अपने जीवन का अनुभव, हम लोग तो करीब करीब 40 साल से ईश्वरवारा मंदिर जी में आ रहे हैं। इनका अतिशय ऐसा अतिशय है जो जमीन से स्वर्गों पर पहुंचा देते हैं। इनके अतिशय की कुछ कह नहीं सकते, इतनी अनुभूति है हम लोगों को, इतना आशीर्वाद है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये ईश्वरवारा जब शुरू शुरू से हम लोग आते हैं, जबकि कुछ वाहन नहीं चलते थे, बैलगाड़ियों से आते थे। बैलगाड़ियों से आते आते जब बिल्कुल छोटा मंदिर था, उसकी कोई व्यवस्था होती रहती थी, उसके बाद पुनः बढ़ते 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 आज इस क्षेत्र का अनुभव देखिए आप। इस क्षेत्र में जब से श्री गौतम भैया जी आए हैं, जब से विधान शुरू हुआ है, क्षेत्र रक्षक बने हैं, और आज तो इसका अतिशय देखने लायक है। जो यहाँ नहीं आया, यहाँ दर्शन नहीं किए, उसने जीवन में कुछ नहीं किया। इसलिए सभी लोगों से अनुभव निवेदन है, एक बार अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा जी के जरूर दर्शन करें, जरूर दर्शन करें, जरूर दर्शन करें। हे भगवान, आपके चरणों में तो ऐसा लगता है जैसे कि मैंने अपने जीते जी स्वर्ग ही प्राप्त कर लिया हो। जब अष्टान का पर्व आते हैं तब सब लोग आठवें दीप की वंदना करते ने जाती हैं, लेकिन ईश्वरवारा में मुझे ऐसा महसूस होता है जब भी आती हैं कि हम तो आठवें दीप ही पहुंच गए। इसी कारण से शांतिनाथ भगवान का हम लोगों पर बड़ा आशीर्वाद है। शांतिनाथ भगवान की कृपा से अपने देश को एक रत्न भी प्राप्त हुआ है इस गांव से। जो इस गांव में रहती हैं, जिस घर से एक रत्न मिल जाता है उसका सारा का सारा क्षेत्र सुरक्षित एवं सुरक्षित हो जाता है। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। यहाँ शांति विधान करके बहुत मन प्रफुल्लित हो गया है। यहाँ आकर ऐसा लगा कि हम स्वर्गों में आ गए। नहीं हो साज फूलों का तो ये उपवन नहीं बनते, नहीं हो साथ बादल का तो ये गुलशन नहीं खिलते। जिनके मन में बसी भगवान की मूरत नहीं कोई, उन्हें पत्थर ही दिखते हैं, कभी दर्शन नहीं मिलते। इस कार्यक्रम के पुण्यांशक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा जिला सागर मध्य प्रदेश।